आइए आज हम सीखते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग के बाद चिन्हित पहचान क्या दर्शाता है। लाल, नीला, हरा, पीला, ब्राउन यानी भूरा। सबसे पहले लाल चिन्ह, दी फीडिंग में लाल चिन्ह आता है सर्कल, तो उसको हम अति कुपोषित लाभार्थी या बच्चे समझेंगे। नंबर दूसरा, यदि फीडिंग करने के बाद पीला सर्कल यानी पीला चिन्ह आता है चित्र के अनुसार, तो कुपोषित बच्चे कहलाते हैं। जो कुपोषित होते हैं उनके ऊपर पीला चिन्ह हो जाएगा। नंबर तीसरा, फीडिंग करने के बाद अगर हरा सर्कल आता है तो हम उसको सामान्य बच्चे मानेंगे, यानी जितना बच्चे को चाहिए पोषण वो उसके लिए स्वस्थ है। और चौथा, यदि नीला आए तो हम समझेंगे ऑब्सेस यानी मोटा, बच्चा मोटा है। यदि नीला सर्कल आए फीडिंग के बाद तो बच्चा समझेंगे मोटा। अगला हम लोग करेगा, फीडिंग के बाद यदि सर्कल आए ब्राउन यानी भूरा कलर का, तो उसको हम समझेंगे ओवरवेट, यानी बच्चे का जो वजन है वो ज़्यादा है। इसी प्रकार बच्चे को चिन्हित क्रमबद्ध देखकर फीडिंग अवश्य की जाए। धन्यवाद।